की बच्चे जाइए तोड़ दिया बैठो ना हो साफ कर दो इसे अभी अभी हम साफ साफ कर दो अरे गाली गाता है ये बता मेरे नजर के सामने मेरे ही दरबार में मेरे सिंहासन पे तू बैठ गया तुम्हारी ये मजा हो महाराज कुर्सी को साफ कर रहे थे साफ क्या चीज से गोल बरस बरस 2021 वाला कहाँ है तेरा बरस पछवार हराम जाबा कहीं का बार बार समझाया हूँ मेरे साथ दरबार में मजाक मत करो मजाक करवा पौना लगवा के महामंत्री तू जानता है मैं दरबार में आता हूँ तो मैं हमेशा अपने पुत्र के लिए सोचता रहता हूँ जी जी महाराज मुझे दरबार में दिल नहीं लगता बिजली हमेशा मैं इसी बात को सोचता हूँ कि जब मैं इस राज से गुजर जाऊंगा जी महाराज तो मेरे गुजर जाने के बाद क्या होगा इस राज का क्या होगा मेरे सर की ताज का जी जी महाराज क्या होने हम वो बरका वो खैलो पीलो जाग बस भी टोम कौन लो एक घंटा तो महाराज के बेटा नहीं छो खूब कौन लो है शट अप ए जितना बुझ बुझ कर था आस्ते से बैठ मैं के टावर हिल चलिए भैया आप लोग जाइए हेलो जी हेलो चलिए हल्ला गुल्ला शांत कीजिए प्रचार हो रहा है प्रचार हो रहा है सुपर डीलर्स आइए मुकेश दास मुजाहिदा इन्होंने 11 रुपए का पुरस्कार दिए हैं और भज्जू जी चौराहा के हैं भज्जू जी उन्होंने 1 रुपए का पुरस्कार दिया है कॉमेडियन साहब को देख करके कुकुर मुहा को और 1 रुपया देने वाले को कहते हैं क्या आप 1-2 रुपया देने वाले श्रीमान होते हैं दिलदार अच्छा 1-2 रुपया देने वाले श्रीमान होते हैं दिलदार बल्कि वो करते हैं दिल्ली में जाके पिल्ला पिल्ली का ठेकेदार सबसे मोटका काम छोटका पैसा पिल्ला पिल्ली उतवा कुदिया हाँ हराम ज्यादा कहीं का मारता मारता फुलौड़ी जगना फुलाए दो एक आवश्यक सूचना सॉरी भैया 1-1 रुपया से हम बार बार अलाउंस नहीं कर सकते समय को बर्बाद मत कीजिए चलिए एक पुरस्कार और हो जाए राजकुमार जी उसके तरफ से 2 रुपया का सिक्का लगा था मन में हिक्का जाने दीजिए वो रुपए फिर उन्हें वापस कर दिए यही प्रचार के लिए इधर तानाशाही हो जाता इधर सुन लीजिए आप हेलो इधर दिखाइए उसको मन से कर भारती ऐसा लेकर के आपको यहाँ नहीं आना है उधर समझा के रिटायर कीजिए ये वो पार्टी नहीं है सुना मैं नहीं सुनूंगा तुम लोग सुनो हवेली जा मेरी महारानी को बुलाकर जो दरबार में लिया महाराज अभी अभी आप चल करके राज दरबार में इंतजार कीजिए और अभी समय मिलते इस राज की राजमाता से अरे देरी नारे ला आ गई हार झूलावी Love.
सब धीरे धीरे बैठिन रहियो नहीं बैठबो खड़िया बीमारी पकड़ी ले था खड़ा कर रहो हाँ बैठी रहो बैठी रहो नहीं बैठबो ठाव नाव पर बैठो ना। और आइए अभी अभी आप लोगों ने सुना कि मेरे महाराज का आदेश है वो उत्तमपुर महल की रहने वाली राजमाता को अभी अभी साथ लगाकर पुणे महाराज जरा राज दरबार तक पेश करना है। और आइए कहते हैं कि जिंदगी के सफर में इम्तिहान करते हैं, जिंदगी के सफर में इम्तिहान करते हैं। इस कंपनी में जो कर रूपेश बिहारी आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आइए पुणे मिलते हैं इस समय इस राज की राजमाता से। छोरवा भीतरे भीतर लिहारे छे ने की पता राति रहतो नहीं रहतो रात भर रहबे रे बियाने जीवो आहे देलिया आइए रिकॉर्डिंग आ कमरिया आहे रे दरबार में याद किए हैं महारानी जी। जी अभी अभी महाराज जी राज दरबार में इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ। मेरे स्वामी जी मुझे कब से इंतजार कर रहे हैं? हाँ स्वामी जी, स्वामी जी क्या? हाँ स्वामी जी, आपका भी स्वामी जी है? महारानी जी स्वामी जी कल कौन भैया हम रोहर दबर में स्वामी जी की महारानी जी। जी इस समय राज दरबार में महाराज भी सभी से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चलिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जी जी चलिए महाराज के पास। हेलो बना भी आई मंत्री जी चलियो चलियो ए स्वामी के लगी जा